हेलो एंड वेलकम टू Nimbus IAS. एस माई नेम एर्षभा शीश एंड यू आर वॉचिंग टूडेज एडिटोरियल एंड ओपिनियन एनालिसिस आज हमारे पास दो टॉपिक्स हैं सैटरडे को एक्सप्लेनर सेक्शन भी नहीं आता है तो दो टॉपिक्स हैं हमारे पास सो वन इज अ मैसेज फॉर रशिया क्या मैसेज है कि पीस के पाथ में आप जाइए थोड़े एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है जो प्रिलम्स में हेल्प करेगा एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम द uh, आर्टिकल जो ओपिनियन था यहाँ पे वो बहुत ही प्रोसीजरल में जा रहा था कि पुलिस को क्या करना चाहिए बेसिक बेसिक चीज़ें मतलब बेसिक नहीं बहुत स्पेसिफिक चीज़ है जो हमारे काम की नहीं है हम हम थोड़ी एक्चुअल में अभी पुलिस में गए हैं जो हमें पता होना चाहिए कि पंचनामा कैसे होना चाहिए या एफ कैसे फाइल होनी चाहिए वो हमारा डोमेन नहीं है बट येस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थीम है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए राइट right? तो वो कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे यहां पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और थोड़े एडिशनल पॉइंट्स सो दैट योर अनालिसिस इज कंप्लीट तो मालीमत कमेटी रिपोर्ट हम रेफर कर रहे हैं ये सारा एक्स्ट्रा है न्यूज में नहीं था वो आर्टिकल्स जो छोड़े आज एक यूजीसी के ऊपर था देन पाकिस्तान का इमरान खान को क्या करना चाहिए वो सब चीजें थी वहां पे राइट तो मैंने उसको भी नहीं रखा है ओके okay. सो लेट इस मैसेज फॉर रशिया ठीक है रशिया के लिए मैसेज ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल रहे है, बस करो हाँ कितनी तबाही मचाओ कि तबाही मचा रखी है सिविलियंस आर डाइंग अभी रिसेंटली बुचा किलिंग के बारे में पता चला था राइट सो बुचा किलिंग्स इन द स्ट्रीट सिविलियंस वर आई मीन इनकाउंटर्स हुए वहाँ पर सो इनकाउंटर्स हुए किलिंग्स हुए ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं विच इज़ अ वॉर क्राइम तो ये गलत बात है ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसके चलते ये फोकस फिर से चला गया है ऑन द लॉज ऑफ़ सिविलियन लाइफ दैट हैज टेकन प्लेस एवर सिंस द वॉर हैज़ स्टार्टेड, ठीक है तो हमारे पास एक डेटा है बाय द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स तो उन्होंने बोला है कि जब से ये वॉर चालू हुआ है तो रशियन के साइड से जो आप देख ही रहे हैं न्यूज़ में तो so सिविलियंस के जो सेटलमेंट्स है घर है रेलवे स्टेशन है आज के पेपर में आया कि रेलवे स्टेशन को टारगेट कर रही थी एक मिसाइल जो उधर गिरी पड़ी है तो उसके कुछ रेमिनेंट्स वो पुलिस वाले उठा रहे थे राइट सो दे आर टारगेटिंग दीज एरिया सिविलियंस की कैजुअलिटीज हो रही है दे शुड बी बट वे हो रहा है अब रशिया वाले कह रहे हैं कि देखो भाई ये तो स्टेज इवेंट्स है आप फर्जी काम कर रहे हो ऐसा कुछ हुआ नहीं है हम बहुत रिस्पॉन्सिबल फोर्स है बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जो हुआ है वो हुआ है चलिए तो इन सबके चलते रशिया हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और फोकस अब चला गया है वापस ऑन द सिविलियन किलिंग्स इन यूक्रेन ठीक है ये हो गया अब एक बार यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल देख लेते हैं तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को देखती है और इसकी जो मेंबरशिप होती है दैट इज फॉर थ्री इयर्स 47 सेवन मेंबर्स है और आप कंटिन्यूसली उसके मेंबर नहीं रह सकते इट कैन ओनली बी फॉर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ठीक है तो अभी शायद इंडिया इज अ मेंबर अभी रिसेंटली बना है दो बार हो जाएगा उसके बाद फिर इट कैन नॉट बी द मेंबर एंड इट इज बेस्ड आउट ऑफ जेनेवा मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड आउट ऑफ जेनीवा ओके ठीक है तो उनको यूएनएचआरसी से निकाल दिया अभी इसके चलते उसको सस्पेंड कर दिया यहां पे। फिर यूएन ने स्पॉन्सर किया था रेजोल्यूशन अगेंस्ट दी एक तो उन्होंने यूएनएससी में किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वहां पे नहीं हुआ तो इट एस्केलेटेड यूएसए ने और उसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में किया था तो वहां पे भी 93 कंट्रीज ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया ठीक है 24 ने रशिया के फेवर में किया एंड 58 एट from voting, वोटिंग विच इंक्लूड्स इंडिया कल हमने वो आर्टिकल भी किया था एनाटोमी ऑफ इंडियाज डिसीशंस यूक्रेन के चलते ठीक है तो 58 एट abs एबसेंटेश पर वो भी एक्चुअली अगर इंडिया उज नॉट वो वोट उनकी रशिया के फेव अगेंस्ट नहीं करना चाहता बेसिक बात ये है नहीं तो इंडिया भी कर देता है यहाँ पे। तो मैसेज बहुत क्लियर है मैसेज बहुत क्लियर है वर्ल्ड का कि आप ये सब मत कीजिए ये से बुचा किलिंग्स एक होता है कि चलो वॉर हो रहा है एंड बिल्डिंग्स बिल्डिंग टारगेटेड या गलती से टारगेट हो गया तो कोलैटरल डैमेज तो होता ही है बट जब आर्मी किसी भी देश की आर्मी जा रही है और लोगों को घर से पकड़ पकड़ के निकाल के गोलियां मार रही है तो इट इज वर्ल्ड इट लाइक इस्लामिक स्टेट ठीक है दिस थिंग्स आर नॉट जस्टिफाइबल ये तो ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेश अब हमें कैसे पता चला हमें नहीं पता चलता क्योंकि ये बुच्चा जो जो जगह थी यूक्रेन के अंदर जो टाउन था नदन टाउन यूक्रेन यहाँ पे कहीं तो हमें इसीलिए पता चला बिकॉज यूक्रेन और रशिया की टॉक्स चल रही है विच इज़ नोन एज नेगोसिएशन चल रही है विच इज़ नोन एज इस्तानबुल टॉक्स इस्तानबुल कहाँ पे है टर्की में है तो टर्की इसको फैसिलिटेट कर रहा है टॉक्स को किन इनके बीच यूक्रेन और रशिया के बीच में तो वो टॉक्स के चलते थोड़ा सा कोई प्रोग्रेस हुआ वहाँ पे यूक्रेन वालों ने बोला देखिए यूक्रेन वाले बोल रहे हैं कि देखो हम हमारे उनके जो प्रेसिडेंट है कि देखो आपको यही कंसर्न था ना आपने जो हमारे ऊपर ऑपरेशन किया है जिसको आप स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम से हमारे अगेंस्ट वॉर कर रहे हो तीन तरफ से नॉर्थ से ईस्ट से एंड साउथ से सो अ थ्री फ्रंट वॉर स्टार्टेड और आपको यही ऑब्जेक्टिव था ना कि ये टेरिटरीज आपके पास चले जाए ये एथनिक ये एथनिक रशियंस है यहाँ पे तो ये वाली टेरिटरी आपके पास चले जाए इंडिपेंडेंट हो जाए हाँ हम कर देंगे हम इस पर कंसल्ट कर सकते हैं ठीक है वी कैन कंसल्ट ऑन दिस वी कैन टॉक अबाउट दिस आपको क्रीमिया चाहिए था ना एक्चुअली क्राइमिया आपको क्राइमिया चाहिए था ना क्योंकि आपको ये पोर्ट चाहिए यहाँ पे वो भी दे देंगे ठीक है पर ये पता है अभी क्या बोले ये बोले हमको ना ये पूरा ये चाहिए बहुत पहले मैंने एक एनालिसिस भी बनाया था इसके ऊपर तो मैंने बताया था कि उनका ऑब्जेक्टिव होगा यहां तक इस टेरिटरी को लेना सो so दैट यहां से कोई भी कभी भी क्राइमिया पे नजर ना डाल सके तो पूरा कट ऑफ करेंगे अब यूक्रेन को दिक्कत आएगी बिकॉज देन यूक्रेन विल बिकम अ लैंड लॉक्ड कंट्री तो ये चाह रहे हैं कि और और हो जाए अगर हो सके तो यहाँ तक करने की कोशिश करेंगे और कीव को भी वो लेने की कोशिश करेंगे बिकॉज कीव जो कैपिटल है यूक्रेन का इट इज कंसिडर्ड एज दी यू नो इट इज बेसिकली यहाँ से बोला जाता है कि यहाँ से जो रशिया का कल्चर है जो बेसिक कल्चर है वो कीव से आया है तो कीव इज वेरी क्लोज टू दार्ट ऑफ अ कॉमन रशियन तो वो चाहेंगे कि वो कीव को भी ले ले राइट तो अगर मान लीजिए चलो कीव तक तो नहीं पहुंचे बट एट लीस्ट विल ट्राई कि इतना टेरिटरी कट ऑफ कर दे यहाँ से तभी कारकीव ये सारा टेरिटरी इनको कट ऑफ करना चाहेंगे यहाँ पे तो उन्होंने एक बार बोल दिया यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कि ये तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप आपको क्राइमिया वगैरह चाहिए तो इतना सा ले लो ठीक है बात समझ आती है आपकी पर आप तो और 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 मांग रहे हो तो उन्होंने पब्लिक किया तो रशिया के प्रेसिडेंट ने बोला मैं मुक्का मारूंगा उसको ऐसा उनकी लैंग्वेज में उन्होंने बोला था ठीक है तो ये है अ कंसल्टेशन पीरियड ऑफ फिफ्टीन ईयर्स फॉर क्राइमिया प्रेजिडेंट सेन्की कहते हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं न्यूट्रलिटी हम नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे नाटो एक फ्रंट है आप सबको पता ही है इट्स अ कलेक्टिव इट्स अ फ्रंट अगेंस्ट रशिया कि इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी कि कोई भी कंट्री कोई रशिया अगर किसी भी कंट्री नाटो कंट्री को अटैक करता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉर ऑन द इंटायर ब्लॉक और वो सारे एक साथ उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे उन्हीं की टेरिटरी पर अटैक हुआ है तो यूक्रेन को हमेशा से ही डर लगता था कहते हैं 2014 में देखो यहाँ पे ये सारी टेरिटरीज लेने की कोशिश करी थी क्राइमिया ले लिया हम हमें डर है आगे इनवेट कर सकते कहीं जा रहे थे यहाँ पे तो हमें नाटो नाटो चाहिए वो कहते नहीं आप अब अब देख लिया कि नाटो ने कुछ नहीं किया यहाँ पे तो कहते हम इंडिपेंडेंट रहेंगे हम न्यूट्रल रहेंगे और अगर ये नाटो में चला जाता है यहाँ पे तो रशिया को सिक्योरिटी रिस्क फील होता राइट सो रशिया वुड है नेवर अग्री टू दिस तो ये इनका एक क्रेडिट लाइन था तो जब उनकी चल रहा था कि वो नाटो को ज्वाइन कर लेंगे दैट इज़ वेन दे फेल्ड कि भाई वॉर तो करना ही पड़ेगा सबक सिखाना पड़ेगा तो कहते ठीक है, है हम नहीं करेंगे आप हमें एक अश्योरेंस दे दो आप हमें एक अश्योरेंस दे दो कि आप हमें अटैक नहीं करेंगे आप यहाँ से चले जाएंगे हम आपकी ये जो डिमांड्स है ऑफ सेल्फ डिक्लेय डोनेस एंड लुशंक्स रिपब्लिक्स हम छोड़ देंगे इनके पे क्लेम्स हम इन पे क्लेम्स आपको छोड़ देंगे यहाँ पे हम नाटो भी ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये जो आर्टिकल बोल रहे हैं कि देखो ये ये बात तो हो गई ये टॉक्स हो रही है आपकी तो आप इन टॉक्स को करिए ख़त्म कीजिए बात को जो जैसा था वैसा आप खो जाइए आपको वॉर से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा वॉर से उन्होंने लगा था कि भाई एक बार भेजा फटाक से तीनों साइड से शुरू कर दिया यूक्रेन वाले कुछ कर नहीं पाएंगे छोटी सी कंट्री है और हम अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लेंगे लेकिन ये घुस ही नहीं पा रहे ये घुस ही नहीं पा रहे नॉर्थ साइड में प्रे, प्रेशर डाला हुआ है और वेस, वेस्टर्न कंट्रीज इनको थोड़ा सा सपोर्ट दे रही है सो दे आर एबल टू कीप द रज इन चेक साउथ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेशन कर ली है दे हैव बीन एबल टू गो डीपर बट नॉर्थ में इन्होंने चेक इनको यहाँ पे रख लिया है ठीक है तो अब अब क्या हो रहा है कि अब आप देख लीजिए एक महीना हो गया ठीक है तो टाइम निकली जा रहा है पर अब कोई आगे कोई खास प्रोग्रेस हो नहीं रहा सो इट हैज़ बिकम अ वॉर ऑफ अट्रैक्शन ये बस वॉर हो रहा है दूसरे को थकाना फटीग हो रहा है अब इससे इससे और आपका कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा तो अब इसको बंद कीजिए एंड लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस शुड कम एज सुन एज पॉसिबल और रशिया को वा जाना पड़ेगा जाना चाहिए और रशिया के बिकॉज ऑफ दिस वॉर क्रीडेंशियल एज ए ग्रेट पावर कम हो गई है है ना आप सोच रिस्पॉन्सिबल पावर बोलेगा कि रशिया तो किसी को भी अटैक कर सकता है तो उसको ग्रेट पावर नहीं समझेंगे बोलेंगे ये तो अग्रेसिव कंट्री है चाइना होगा सुपर पावर पर आप उसको फिर भी ग्रेट नहीं बोल देंगे क्योंकि आप बोलते हो कि यार ये तो इससे पंगा ले रहा है उससे पंगा ले रहा है ठीक है तो एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट भी आ जाएगा कोई करना चाहता है उनके साथ नेगोशिएशंस बात वगैरह तो एक नेगेटिविटी से भी आ जाती है सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग तो आप इसको वापस कीजिए इसको सॉल्व कीजिए एज सुन एज पॉसिबल और हाँ ये जो किलिंग्स हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है एंड एक्शन शुड बी टेकन तो ये सारा आर्टिकल में बताया गया है अब आते हैं द क्लोजिंग द गैप्स इन क्रिमिनल जस्टिस ठीक है the the तो ये एक पुलिस स्पेशल डीजीपी है छत्तीसगढ़ के तो उन्होंने बात की और छत्तीसगढ़ में क्या क्या किया है वो बात करिए और इस प्राइमरीली कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए देखो क्यों मैं इसमें मैं तो यहीं छोड़ रहा था पर फिर आप बोलते कि पूरा नहीं कराया तो प्रिपेयरिंग अ साइट स्केच कुछ होता है इंसिडेंट होता है मर्डर होता है तो उसको साइट को आप स्केच बनाओ कैसे बनाना है उसके बारे में बता रहा है देन इफ एनी एविडेंस एनी थिंग उसको टेस्ट कैसे करना है टेस्टिंग द वेरासिटी फिर अगर कोई डेथ होती है पुलिस कस्टडी में या कंसर्न है अबाउट पुलिस इंगेजिंग एंड रॉन्गफुल कंडक्ट फेक इनकाउंटर एक्ट्रा तो उसमें उसमें एविडेंस या उसमें विटनेस वगैरह कैसे कलेक्ट करना है हाँ ये चीज़ है कि इट शुड बी वीडियोग्राफ्ट इट शुड बी फोटोग्राफ्ट यूजिंग डिजिटल कैमराज और उसको इट शुड बी मेड एडमिसेबल ठीक है इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल रहा है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपको पता ही है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या होता है पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है फिर वो चार्ज लगाती है कि आपने शायद मर्डर किया है आपने शायद इंटेंट टू मर्डर था जो भी था तो वो चार्जशीट फाइल करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन पेनल कोड और फिर कोर्ट में प्रूफ करते हैं है ना प्रोसिक्यूशन होता है कोर्ट में प्रूफ करते हैं और जो अक्यूज होता है वो डिफेंड करता है इसको ये पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जस्टिस सिस्टम है तो अब जब यहाँ पे हम इसकी ये बात कर रहे हैं जब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है चार्जशीट कर रहा है तो वो बोल रहा है कि दो चीजें हैं यहाँ पे ये डीजीपी रेफर कर रहे हैं कि एक सिनेरियो है कुछ स्टेट्स में बोल रहे हैं कि जो पुलिस जैसा बोलेगी वो फाइनल है पुलिस ने अगर बोला ये धारा लगेगी तो फाइनल है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दूसरा व्यू पॉइंट है ये ज, ये जुडिशरी ने लिख रखा है एक है आर सरला वर्सेस टी एस वेलू आप प्लीज़ इसको मत देखिएगा बिकॉज आप कंफ्यूज हो गए आपको चाहिए नहीं इन्फॉर्मेशन पुलिस पर नॉ थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाए तो अच्छी बात है ये बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली तो प्रोसिक्यूशन तो लॉयर्स लड़ते हैं उसको पुलिस तो चार्ज लेवल करेगा फिर वो एविडेंस प्रोवाइड करेगा कोर्ट में पर केस तो लॉयर लड़ेगा और लॉ law तो लॉयर को आता है इनको भी आता है पर वैसे नहीं आता जैसे लॉयर को आता है और लड़ना उन्होंने है तो प्रोसिक्यूशन को अपना एक इंडिपेंडेंट माइंड लगाना चाहिए कि वो जो चार्जेस लेवल करे गए हैं वो ठीक है कि नहीं है ठीक है तो अब ऐसा कह दीजिए एक रिफॉर्म है कि पुलिस जब लेवल चार्ज करती है सो इट शुड कंसल्ट विद द प्रोसिक्यूशन बिकॉज अल्टीमेटली तो केस जाएगा ही कोर्ट के अंदर चलिए पर देखिए बात है कि ये तो बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इट इज मच 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 वाइडर है ना ये सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं है इट इज मच वाइडर और हाँ आपको ये ही थीम पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है क्लोजिंग द गैप्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या क्या इशूस है क्या रेमिडियल मेजर्स है या वॉट आर द सजेस्टेड मेजर्स किसी कमेटी ने रिकमेंडेशन दे रखी है तो वो रेकमेंडेशन मैंने डाल रखी है वैसे क्या होना चाहिए तो ये यहां देख लेते हैं इसको तो जैसे आपको बताया था एक होता है कोर्ट है ना जो जस्टिस डिस्पेंस करेंगे किसी को कोई इशू है किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको सुनिंग सुनवाई होगी यहां पे तो वो तो होगा वो डिसाइड करेंगे सही है गलत है जस्टिस तो हो ही गया जुडिशरी पुलिस जब कोई क्राइम होता है जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस के पास आप एफ कराते हैं फिर पुलिस एफ होने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ ठीक है तो वो चार्जशीट फाइल करती है है ना कि ये वाला क्राइम है इसके अंदर ये वाली पनिशमेंट है वो सब देखते हैं और फिर वो जाते हैं कोर्ट में जहां पे सरकारी लॉयर होते हैं जिनको हम प्रोसिक्यूशन कह देते हैं तो प्रोसिक्यूशन में एक्चुअली सरकारी लॉयर प्लस पुलिस होती है ठीक है क्लियर है अब पुलिस को ये साबित करना पड़ेगा कि जिस पे उन्होंने चार्ज लगाया है दैट इज करेक्ट वो उनको प्रूफ करना पड़ेगा एंड होल ट्राई टू गेट दिस पर्सन प्रूव इन गिल्टी और ये जाएंगे कि ये नॉट गिल्टी प्रूव हो जाइए अपने लॉयर से डिफेंड करेंगे तो ये डिफेंडेंट हो गए क्लियर सो द फर्स्ट साइड इज द पुलिस इन्वेस्टिगेट्स पुलिस इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट ऑफ क्राइम बट इट इज ऑल्सो अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स ठीक है तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स भी है एंड इन्वेस्टिगेशन भी है और जब इसकी बात करते हैं तो इट हैज टू अरेस्ट द सस्पेक्टेड पीपल हु हैव कमिटेड कमिटेड हु दे फील हैव क्राइम तो सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग क्राइम्स तो ये है सो लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस थिंग्स ओवर हेयर सो वन थिंग इज इन्वेस्टिगेशन द अदर थिंग इज प्रिवेंटिंग ऑफ क्राइम्स क्योंकि हम बताएंगे ना इसमें क्या इशूज है इशूज बताओगे फिर आप बताओगे कि क्या सही होना चाहिए ठीक है तो ये उसका काम है अब अरेस्ट कर रहे हैं अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई पर वो फिर भी अरेस्टेड है सो द इश्यू ऑफ अंडर ट्रायल्स तो ऐसा माना जाता है कि टू थर्ड्स ऑफ द पीपल हु आर इन द जेल आर अंडर ट्रायल्स और वो शायद इतनी अपनी पनिशमेंट इतना वो जेल में रह चुके हैं जिसके लिए अगर उनको पनिशमेंट दी भी जाती उस चार्ज के अगेंस्ट तो उससे ज्यादा वो ऑलरेडी जेल के अंदर है, फिर भी है ठीक है तो द इशू ऑफ अंडर ट्रायल सिक्सटी सिक्सटी सेवन परसेंट आर अंडर ट्रायल्स ओवर हियर अब कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट में क्या होगा सुनवाई होगी है ना तो उसमें आपके अटोर्नीस आ गए जजेस आ गए जूरीज आ गए एंड एंसिलरी स्टाफ अब जज का काम क्या होता है जो केस आया जुडिशरी का काम क्या होता है जो केस आया उनके पास जो इन्वेस्टिगेटेड केस है है ना जो इन्वेस्टिगेट हुई है जो प्रूफ निकाला है उन्होंने वो उसको देखे कि सही है कि गलत है कि क्या जो अक्यूज है वो गिल्टी है कि नहीं है दैट इज़ द जॉब बेसिकली अक्यूज अपने आप को डिफेंड करेगा तो दिस पर्सन विल डिसाइड वॉट इज करेक्ट वॉट इज रॉन्ग लॉफुली ठीक है कानून के आधार पे वो डिसाइड करेंगे यहां पे तो उनका ये काम है लेकिन लेकिन क्या लेकिन हमें पता है द इशू ऑफ जुडिशियल पेंडेंसी तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख है ना तो डायलॉग भी है तारीख पे तारीख तो हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2018-2019 अबाउट 3.7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग तीन से पांच साल लग जाते हैं सुनवाई आते आते और अगर आप गरीब वर्ग से हैं तो आपका ये नंबर भी नहीं लगने वाला एंड्रेड मोस्टली आर मार्शलाइज सेक्शन उसमें भी माइनॉरिटीज लोअर कास्ट इनका पॉपुलेशन ज्यादा यहाँ पे। चलो एक ये हो गई पेंडेंसी हो गई अच्छा पेंडेंसी हो गई उसके बाद हाउ अबाउट द डिलेज दैट आर टेकिंग प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ द पुअर फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट इट है ना कोर्ट uh, के हिसाब से या फिर पुलिस विटनेस को लेके नहीं आ रही और उसकी वजह से तारीख पे तारीख हो गई तारीख बदलनी पड़ गई और पुलिस वाले लगे थे कोई एम जा रहे हैं कोई मिनिस्टर जा रहे हैं उनकी ड्यूटी पे तो कोर्ट में नहीं आ पाए हाजि हो पाई तो अगेन यू सी हाउ लॉ इन्फोर्समेंट एंड कोर्ट्स आई मीन एंड कोर्ट्स आर पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ये कैसे अफेक्ट होता है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करी कहीं ऐसा हुआ एक पर हुआ था मुजफ्फरनगर uh, मुजफ्फरपुर राइट से उन्होंने कहा हमें पता है पुलिस ने लोगों को मारा है पुलिस वालों ने खुद लाशें नीचे फेंकी है नदी में कहते मैं हम प्रूफ हमें पता है पर ये इन्वेस्टिगेशन इतनी घटिया है और पुलिस ही कर रही है इसको ये साबित ही नहीं कर सकते हम लोग किसने किया है यहाँ पे हमें पता है बट इट नॉट बी प्रूव इन बियॉन्ड तो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाउ रिम्बर वन मोर केस तारुषी अलवार क्या नाम था आरुषि तलवार केस है ना आरुषि तलवार केस वो फेमस केस उस पर कितनी पिक्चर विक्चर भी बन गई है तो उसमें भी देखा गया था कि इन्वेस्टिगेशन कितनी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन खराब थी तो पुलिस की क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन खराब है और ऊपर से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है वो लॉ इन्फोर्समेंट की ड्यूटी पे भी लगे हुए हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहां पे तो टाइम नहीं मिलता ऊपर से ट्रेनिंग भी इस तरह की नहीं है जो इसको ठीक करना है अब आप अपने हिसाब से लगाते रहिए कि हमें ये चीजें ठीक करनी है सजेशन में यह पॉइंट आना चाहिए ठीक है डिलेज इन्वेस्टिगेशन देन द क्वालिटी ऑफ जजमेंट क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स ये कुछ चीजें हैं यहां पर अब जब मान लीजिए इसको गिल्टी साबित कर दिया तो वो जेल में जाएंगे उसको पनिशमेंट मिलेगी तो उसको हम क्या बोल रहे हैं करेक्टिव सिस्टम कि कुछ इनजस्टिस किया था इस आदमी ने इसको हम अभी ठीक कर रहे हैं तो करेक्शन सिस्टम सो दिस इंक्लूड्स सेंटेंसिंग पनिशमेंट ठीक तो, है. है तो करेक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम में खड़े होने की जगह नहीं है ओवर क्राउडेड है हमें और प्रेजेंस चाहिए ठीक है फिर हमारा कुछ भी होता है हम सोचते हैं कि जेल में डाल दो उसको देर शुड बी ऑल्टरनेट मीन्स और सॉफ्ट करेक्टिव सिस्टम ऑल्सो जैसे बाहर बोलते है कम्युनिटी सर्विस करो आप हर क्राइम के लिए आप जेल में नहीं डाल सकते हमारे डालते हैं डालना नहीं चाहिए लेट दिस दिस वे ठीक है सो आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड्स टू टू बी बी नीड करेक्टेड ओवर चलिए तो ये तो हो गया अब आपको भी पता लग रहा है कि, कि हमें इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट को अलग करना चाहिए और ये किसने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बेस्ड ऑन द प्रकाश सिंह कमेटी रिफॉर्म्स प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स पेंडेंसी को हमें चेंज करना चाहिए द वे द रिकॉर्ड्स और द एविडेंस आर बी कलेक्टेड वी नीड टू करेक्ट दैट वी नीड टू इम्प्रूव अपॉन द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस अच्छा फिर हम ये भी देखते हैं कि वो बोलता है कि अ अर्सन हैज टू बी प्रूव इन गिल्टी इट शुड बी बियॉन्ड डाउट कहीं ना कहीं और क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि जो गलत जो सही है जो वो शायद गलत किसने किया वो है वो बच जाए फिर भी ठीक है पर सही आदमी को फंसना नहीं चाहिए सो इट इज इन फेवर ऑफ द एक्यूज तो वो भी एक थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है यहां पे तो ये है मालीमत कमेटी रिपोर्ट और उन्होंने कुछ चीजें बताई है पहली बात तो उन्होंने बोला कि देखो हमारा जो जुडिशल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है नॉट जुडिशल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इट इज टू मच फेवरिंग दक्यूज ओवर हेयर और इससे इनको जो पुलिस वगैरह होती है प्रोसिक्यूशन होती है इनको मुश्किल होती है टू होल्ड अ पर्सन अकाउंटेबल मतलब उनको गिल्टी प्रूफ करना तो उन्होंने कुछ पांच पैरामीटर्स और उससे बियॉन्ड होगा ये फिल्टर्ड आउट है एक्चुअली तो उन्होंने राइट्स ऑफ द अक्यूज़ के बारे में बात करी तो उन्होंने कहा द कमिटी सजेस्टेड दैट शेड्यूल टू द कोड बी ब्रॉट इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस कि जो अक्यूज है उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चले और उसको कैसे इन्फोर्स अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सके ठीक है और यह भी कि कौन से कौन से अगर उनको राइट्स नहीं मिलते हैं तो अपने आप को कैसे ले सके वो तो ये अवेलेबल होना चाहिए फिर एक चीज आई थिंक यहां मिस हो गई है दैट इज जो अक्यूज है जो लॉस है हमें जो हम कह रहे थे कि लॉस अक्यूज को फेवर कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमें इंडियन एविडेंस एक्ट ठीक है जो क्रिमिनल लॉस है सीआरपीसी है उसको कोई अमेंड करने का सोचना चाहिए सो so दैट थोड़ा सा रैशनलाइजेशन हो कि जो लॉज जो हमें जो मुश्किल करते थे अक्यूज को गिल्टी प्रूफ करना वो थोड़ा सा चेंज हो यहां पे। देन वी नीड टू रियली वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी नीड टू सेपरेट द विंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन और जो हमने सेपरेट विंग रखा है इन्वेस्टिगेशन का उनको हमें और ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो बेटर इन्वेस्टिगेशन हो और वो प्रूफ कर सके और एक चीज और ये अगर इन्वेस्टिगेशन तरीके अच्छे होंगे ना तो उनको थर्ड डिग्री टॉर्चर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उससे कस्टोडियल डेथ्स में भी सुधार होगा उसमें रिफॉर्म्स भी अपने आप आ जाएंगे फिर कोर्ट में पेंडेंसी हो रही है और एक रीजन उसका बहुत सारे रीजन है और एक रीजन है कि जजेस जो होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है ठीक है एट प्रेजेंट वी हैव 19.66 मिलियन पीपल 19.66 मिलियन पीपल के लिए हमारे पास सॉरी एक मिलियन के लिए हमारे पास 19.66 जजेस है ठीक है वही मैं थोड़ा सा ना कभी कभी हो जाता है तो 19 जजेस है अप्रॉक्सीमेटली 1920 जजेस फॉर वन मिलियन ऑफ पॉपुलेशन और रेकमेंडेड है 50 जजेस ये लॉ कमीशन ने बोला है ठीक है तो लॉ कमीशन के भी ये रिकमेंडेशन है कि जजेस को इंक्रीज किया जाए यहाँ पे फिर विटनेस प्रोटेक्शन पे काम किया जाए सो दैट विटनेस भी होते हैं ना बार बार अपनी पोजिशन भी चेंज कर लेते हैं तो विटनेस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और ये जो कोर्ट बार बार वेकेशन पे चले जाते हैं जो ब्रिटिश ब्रिटिश के टाइम पे था वो भी बंद करना चाहिए बिकॉज इससे पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ रही है तो एक तो नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करना चाहिए और वेकेशन ऑफ कोर्ट्स को

Now, what we can say is, कि Supreme Court की guidelines की जो under trials के बारे में उन्होंने कहा था मतलब सात साल जिसके लिए उसको चार्जशीट किया गया तो अगर उसका आधा टर्म भी पूरा कर लिया है नहीं किया होना चाहिए था, पर अगर आधा भी किया है, तो उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी और उनको इमीडिएटली रिहा किया जाए ठीक है तो ये कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रही है कोर्ट अब हमें क्या करना चाहिए इसके बियॉन्ड हमें एक ऑडिटिंग मैकेजम बनाना चाहिए वी शुड फोकस ऑन ऑल्सो इंगेजिंग द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि पी हो गया एसेट्रा तो जो गवर्नमेंट के वर्क्स को कॉम्प्लीमेंट कर सके एंड हेल्प परफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फिर मैं एक और एक चीज़ बोलूँगा इसमें ही, कि हमारा एक परसेप्शन है कि हम लीगल जो लॉस है उसको और स्ट्रिंजेंट कर दे ताकि पनिशमेंट ना हो तो ये करेक्टिव सिस्टम का पार्ट आ जाता है तो हम कहते हैं कि और स्ट्रिंजेंट कर दे जैसे कि चाइल्ड सेक्स रेप की इशू हुई थी तो उसको बोला कि पनिशेबल मर्डर आप उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दीजिए बट कैपिटल पनिशमेंट से अगर बात बनती होती ठीक है या हमने जितनी बार भी हमने देखा है कि हम क्राइम को और स्ट्रिंजेंट कर देते हैं उससे हम ये नहीं देख रहे कि क्राइम कम हो रहा है आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए एंड यू विल फाइंड द अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन इंक्रीजिंग ईयर ईयर ऑन और इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा खास सो अगेन वी नीड टू वर्क ऑन लॉ एनफोर्समेंट वी नीड टू लुक एट दी ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस और हमें प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पे भी काम करने की जरूरत है कि क्राइम हो ही ना और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इतनी जरूरत पड़े भी ना वहां पे राइट देन सो दिस कंक्लूज आर एनालिसिस So, thank you for streaming in to Nimbus IES with me, Shubhashish. Bye bye, take care, and all the best.